हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और दो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो उसके एसोसिएट होमोजेनियस इक्वेशन से हमने वाई वन वाई टू निकाले, उसकी मदद से हमने ग्रीन फंक्शन डिफाइन किया, और ग्रीन फंक्शन से जो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिला है, फिर हमने देखा कि वो एग्जैक्टली बाउंड्री जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है उनको भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास ये पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आए वो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम भी होल्ड करता है। तो ये हमारे पास थ्योरम है जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अगर आपके पास y1 और y2 दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किस चीज के एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन के ऑन इंटरवल ab, तो आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो जो 1 और 2 जो बाउंड्री कंडीशन लेट से ये होल्ड करते हैं, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जो मैंने ऐसे डिफाइन किया है वो भी वो नॉन होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू जो होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी एक एग्जांपल देख लें प्रॉब्लम के साथ, हमारे पास ये देखें ये इक्वेशन है नॉन होमोजेनियस, ठीक है। डबल डेरिवेटिव प्लस 4y = 3, तो y प्राइम ये हमारे पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, आप इसको निकाल सकते हो जनरल कंडीशन से इस तरह से, ठीक है। पहले वाले में आप देखो b1 = 1 है और a1 = 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और y1 = 0 = 0 हो जाएगा, तो ये बन गई। दूसरे वाली से हमारे पास ये आएगा a2 = 1 हो जाएगा और b2 = 1 होगा और b2 = 0, तो हमारे पास जनरल कंडीशन से ये स्पेसिफाई हो जाती है। अच्छा, इससे मैंने वो आपको जो त्रिकोण बताया था सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वहां से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। सॉल्यूशन जब आपके रूट्स आ गए, जब रूट्स आ गए तो आपको पता चल गया कि जो आपके वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये है, तो आपने वहां भी यही करना था कि आपने सिर्फ रूट्स निकालने होते थे और रूट से आपने बताना था कि जब रूट से आपने बताना होता कि इसका एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये रोस्किन आ गया, रोस्किन = 2 है। रोस्किन को उठा के मैंने ग्रीन फंक्शन जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया है वो डिफाइन किया डिफरेंट इंटरवल के ऊपर, और मेरी इंटीग्रेशन का इंटरवल है 0 से लेके π/2, तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म की 0 से लेके x तक और दूसरे वाले की x से लेके π/2 तक, जो ग्रीन फंक्शन पीस वाइज है हमारे पास लेकिन कंटिन्यूस है। तो पहले की इंटीग्रेशन कॉस की आ गई, साइन आ गई, साइन की आ गई, कॉस आ गई, हमने इसमें इंटरवल्स पुट किए और हमारे पास ये अटेंड सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें ना वो स्टेप्स ज्यादा किए हैं एज कम्पेयर टू बुक, ठीक है। तो ये आप देखोगे आपको समझ आते हैं।